मेरे भाई यहाँ पर आईपीएल मैच केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच मुकाबले के ऊपर नजर डालेंगे, लेकिन आपको बता दें नाइट मैच हम लोगों के लिए काफ़ी शानदार काफ़ी जबरदस्त गया। हम लोगों के पास टी नटराजन था, कुलदीप यादव था, मयंक मारकंडे था। मयंक मारकंडे को हमने एक्सचेंज 22 में भी बाय किया, वहां पर भी जबरदस्त प्रॉफिट दे गया, यानी हर तरह से हम लोगों ने प्रॉफिट किया, लेकिन और ज़्यादा प्रॉफिट करने की हमारी कोशिश होगी। तो मेरे भाई अगर यदि आप इस मुकाबले को हमारे साथ खेलना चाहते हो और हमारी जैसी विनिंग करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम, जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, इनके अलावा जीएल का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी एक शानदार टीम बनाने में जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है मेरे भाई सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर फर्स्ट कमेंट जो था वहां पर लिंक होगा। कैसा ब्लू कलर में सौरव सामाजिक 84 दिख रहा है, इसी पे क्लिक यानी टच करोगे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल 54.9 के सब्सक्राइबर वाले पे आओगे, बिल्कुल फ्री का फायदा उठाकर ले जाओगे। तो मेरे भाई चलिए यहाँ पर एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए यहाँ पर सीधे हम बात करेंगे। ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा, टोटल 10 मैच में बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड का मार्जिन बराबर का, एवरेज स्कोर 160 प्लस। भाई कोलकाता बड़ा स्कोर खड़ा करने की क्षमता रखती है, स्कोरिंग पैटर्न की बात कर 150 रन यहाँ पर एक बार बना है और भैया 5 बार 190 प्लस बनाए तो अपेक्षा कर सकते हो। रिसेंट टी ट्वेंटी मैच यहाँ पर 2024 का देखेंगे, 23 का नहीं, 2024 में एक 223 का स्कोर गया, लखनऊ जब खेला तो 161 गया, कोलकाता खेला तो फिर से 208 गया। कोलकाता खेल रहा है तो 200 प्लस जा रहा है, सामने वाली टीम भले ना कर पा रहा है। टोटल 27 विकेट में 19 विकेट पेसर्स ले गए और सेकेंड इनिंग में 22 विकेट में 12 विकेट पेसर्स, यानी सेकेंड इनिंग में कहीं ना कहीं स्पिनर को मदद मिलता है, इसी वजह से मैं सेकेंड इनिंग के स्पिनर को ज़्यादातर पिक करता हूँ। वैसे क्वालिटी स्पिनर हो तो भाई फर्स्ट इनिंग में भी वर्क करेगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए, हेड टू हेड रिकॉर्ड जब दोनों टीमों की आरसीबी कोलकाता खेली थी तो विराट कोहली 83 इसमें आया था, सी ग्रीन 33, पी साल्ट उधर 30 करता, सुनील नारायण भाई 47+1 विकेट यार, सुनील नारायण कैसा फॉर्म में है सबको पता है। टोटल मैच जो है दोनों टीमों के बीच 34 खेला गया, जहाँ पर केकेआर 20 आरसीबी 14, और अभी प्रदर्शन भी सेम इसी प्रकार का है, केकेआर का बढ़िया है, 5 में से 2 लॉस करके आ रहा है केकेआर, और आरसीबी भाई 5 में से 10 विन करके आ रहा है, 5 में से 10 विन करके आ रहा है। बोलने में बहुत बुरा लगता है, खैर विराट कोहली इस टीम पे थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है, लेकिन क्या सपोर्ट किया जाए। अगला मुकाबला केकेआर आरसीबी का 26 अप्रैल को खेला गया, वहाँ पर देखोगे विराट कोहली फिर से 54 करता है। भाई विराट कोहली अकेला क्या कर पाएगा, बाकी को सपोर्ट चाहिए। कोलकाता का प्रोबेबल प्लेइंग 11 पी साल्ट के साथ सुनील नारायण, ए रघुवंशी, श्रेयस अय्यर, वी अय्यर, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, मिचेल स्टार्क, वैभव अरोरा, हर्षित राणा, बी चक्रवर्ती, भाई तगड़े तगड़े बल्लेबाज ऑलराउंडर है, बेंच में से ये प्लेयर रहेगा। पी साल्ट रिसेंट फॉर्म क्या चल रहा है, रिसेंट फॉर्म पे ज़्यादा नज़र डालना चाहिए, हालांकि सामने वाली टीम के खिलाफ भी नज़र डालना चाहिए, 58 कवरेज है, रिसेंट फॉर्म 10 और 1.90 नाबाद का आया है। सुनील नारायण इनके बारे में मत बोलो, कैप्टन बीजे का तगड़ा चॉइस है, सामने वाली टीम के खिलाफ 31 का एवरेज से रन बनाता और 24 विकटे भी है। ए रघुवंशी की बात के 30-7, 24-54 ऐसे रिसेंट फॉर्म है। श्रेयस अय्यर 11-38, 34-18, 39-9 ऐसे करके आ रहा है। वी अय्यर का रिकॉर्ड देख सकते हो, वीडियो थोड़ा मैं जल्दबाजी में बना रहा हूँ, इनका मेन रीजन है कॉम्बिनेशन पर ज़्यादातर समझाने का प्रयास करूँगा तो बढ़िया रहेगा। रिंकू सिंह का देख सकते हो, मिचेल स्टार्क खास प्रदर्शन ही, हालांकि 1 बार 3 विकेट 1 बार 2 विकेट जरूर ले गए। वैभव अरोरा रिसेंट फॉर्म बहुत बढ़िया, 1-1-1-2-3-1 ऐसे करके आ रहा है। एज राणा का भी रिसेंट फॉर्म बढ़िया है मेरे भाई, 1 मैच विकेट लेस गया, 1 नहीं खेला, बाकी 2-2-3 है। वरुण चक्रवर्ती सामने वाली टीम के खिलाफ 9 मैच में 13 विकेट है, रिसेंट फॉर्म इनका भी ठीक है, 2-1-0-3-0। देखो मिचेल स्टार्क 4 ओवर डालता है, कौन कौन सा ओवर डालता है, 1, 3, 10, 18। वैभव अरोरा 3 डालता है, 2, 4, 6। एच राणा 4 ओवर डाला, 5, 8, 12, 19। सुनील नारायण 4 ओवर डाला, 7, 9, 14 और 17। बी चक्रवर्ती 20वां ओवर डालने के लिए, भाई स्पिनर है गजब का। आंद्रे रसेल 1 ओवर पिटाई पड़ी, दोबारा दिखाई नहीं दिया, प्लेयर में चप्पी साल्ट को 2 बार आर्ट ऑफ लिया आउट किया है, 1 बार विल जैक, 1 बार वी विजय। ए रघुवंशी के ज़्यादा सामना नहीं हुआ, सुनील नारायण, श्रेयस अय्यर को आर्ट ऑफ ली, यश दयाल, लॉकी फर्गुसन 1-1 बार आउट कर चुके हैं। बेंच में से यहाँ से ये प्लेयर रहेगा मनीष पांडे, नीतीश राणा, इस रदरफोर्ड आप अपने टीम पे ले सकते हो। विराट कोहली फाउड डू प्लेसेज, विल जैक, रजत पाटीदार, सौरभ चौहान, दिनेश कार्तिक, मणिपाल लोमरोर,
अनुज रावत, विजय कुमार, यश दयाल, रिस्टोफली, लॉकी फर्गुसन, बेंच में से ये प्लेयर रहेगा। भाई विराट का रिकॉर्ड देखो, विराट का सामने वाले टीम के खिलाफ 37 कवरेज है, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। फाउल प्लेसेज का भी रिसेंट फॉर्म देखोगे 62, 61, 44। विल जैक दोनों चीज़ कर रहा है लेकिन ज़्यादा खास नहीं कर पा रहा। रजत पाटीदार ज़्यादा ये भी बढ़िया नहीं कर पा रहा। सौरभ चौहान जी एल बटाई करना, दिनेश कार्तिक ये कर रहा है भाई, कर रहा है, नीचे आकर ताबड़तोड़ हीटिंग कर रहा है, 83-53 आबाद ऐसे करके खेल रहा है। मणिपाल लोमरो जी एल बटाई करना, अनुज रावत जी एल बटाई करना, विजय कुमार जी एल बटाई करना, यश दयाल को भी जी एल बटाई करना। रिस्टोफली इंपोर्टेंट है एस एल के लायक भी, लेकिन फर्गुसन भी इंपोर्टेंट रहेगा एस एल के लायक। विल जैक 4 ओवर डाला, 1, 3, 7। रिस्टोफली 2 ओवर डाला, भाई रिस्टोफली 4 ओवर डाला, यहाँ पर सॉरी गलती हो गया, 2, 9, 16, 19। यश दयाल 2.3 डाला, यहाँ पर देख सकते हो। तो इस प्रकार से रहा मेरे भाई प्लेयर मैचअप की बात किया, मिचेल स्टार्क एक बार आउट कर चुके हैं फाड़ू प्लेसिस को, एक बार एच राणा भी, एक बार सुनील नारायण भी, एक बार वी चक्रवर्ती भी, एक बार ए रसेल भी, यानी सबको खुश किया है फाड़ू प्लेसिस ने। विल जैक का ज़्यादा सामना हुआ नहीं, विराट कोहली को 2 बार सुनील नारायण आउट कर चुके हैं और एक बार वी चक्रवर्ती और रसेल। रजत पाटीदार को वरुण चक्रवर्ती एक बार आउट किया है। बाकी उम्मीद करेंगे बेंच का प्लेयर आपको दिखाते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए होंगे, फाइनल टीम वगैरह सारा कुछ मिलेगा। अब चलिए इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन के ऊपर नजर डाल लेते हैं, कौन सा बेस्ट होगा कौन सा बेस्ट नहीं होगा। जी हाँ मेरे भाई कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि वैसा प्लेयर के ऊपर बात करें जो सारे टीम पे होना चाहिए। पहला नाम आता है दिनेश कार्तिक, विराट कोहली, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, विल जैक, ये 5 प्लेयर देख रहे हो ना मेरे भाई, जितना भी टीम बनाओ हमें लगता है सारे टीम पे होना चाहिए। अब यहाँ से देखो छठा टीम, केकेआर पहले गेंदबाजी करे मिचेल स्टार्क होना चाहिए, ये 6 प्लेयर। केकेआर पहले बल्लेबाजी करे भी चक्रवर्ती होना चाहिए और सामने वाले टीम से लोकी फर्गुसन होना चाहिए, ये सब फिक्स की सूची में आता है। अब देखो ट्रंप कार्ड कौन कौन से प्लेयर होगा, ट्रंप कार्ड कलकत्ता की तरफ से बहुत सारे हैं। पहला नाम एच राणा आता, हालांकि 42% इनका सर्व सिलेक्शन है। वैभव अरोरा भाई सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड ये होना चाहिए, गजब का इनका रिकॉर्ड है। बाकी ट्रंप कार्ड जिनका सिलेक्शन कम हो और वो प्लेयर बढ़िया हो, रिंकू सिंह पहले बल्लेबाजी में वर्क करेगा। देखो पिसाल्ट के ऊपर रिस्क ले सकते हो, 86% सिलेक्शन है, लेकिन हो सके ये सस्ते में जा सकता है, थोड़ा सा उम्मीद है, रिस्टोफली वगैरह सामने है। बाकी यहाँ से देखोगे इनका ट्रंप कार्ड तो भाई रजत पाटीदार सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड इनका होना चाहिए, जिस तरह से बड़े बड़े प्लेयर फ्लॉप जा रहे हैं। विल जैक तो होना ही चाहिए, दोनों चीज़ कर रहा है, कैप्टन वीसी का भी तगड़ा चॉइस हो जाएगा। रिस्टोफली पहले गेंदबाजी में, यश दयाल पहले गेंदबाजी में बहुत बढ़िया, विजय कुमार अगर यदि गेंदबाजों को थोड़ा सा भी मदद मिला रही इनकी टीम आर सी बी टीम पहले गेंदबाजी किया तो गुच्छे में भी विकटे ले जा सकता है। तो ये सब कम सिलेक्शन के ऊपर नज़र डालना, हालांकि हमारा टीम किस प्रकार से होने वाला है मैं 2 टीम के ऊपर यहाँ पर फोकस करता हूँ। केकेआर पहले गेंदबाजी करेगा तो हमारा टीम मिचेल स्टार्क हो जाएगा, वरुण चक्रवर्ती, एच राणा, वी अरोरा, सुनील नारायण, पी साल्ट और यहाँ से हमारे टीम पे श्रेयस अय्यर आएगा। आरसीबी पहले बल्लेबाजी करेगा, यहाँ से विराट कोहली हमारे टीम पे आएगा, दिनेश कार्तिक आएगा, विल जैक आएगा, बाकी यहाँ से फाउल प्लेसेज या रजत पाटीदार में से किसी एक के साथ मैं जाऊँगा। कैप्टन हमें लगता है सुनील नारायण ही देना चाहिए, बीसी के लिए यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि इनके ऊपर जाऊँ, हालांकि बीसी सेफ विराट कोहली ही नज़र आता है। तो मेरे भाई कलकत्ता पहले गेंदबाजी करेगा तो ये टीम हो जाएगा। अब बात आते हैं कि आरसीबी पहले गेंदबाजी करेगा तो कैसा टीम होना चाहिए, चलिए बात करते हैं। लॉकी फर्गुसन रिस्टोफली हमारा टीम पे होगा, विल जैक हमारे टीम पे होगा, विराट कोहली हमारे टीम पे होगा और दिनेश कार्तिक हमारे टीम पे होगा। अब यहाँ पर कोलकाता पहले बल्लेबाजी पी साल्ट के ऊपर लूँगा रिस्क, यहाँ से सिर्फ एक श्रेयस अय्यर को पिक करूँगा। आंद्रे रसेल, सुनील नारायण हमारे टीम पे आएगा, यहाँ से वी चक्रवर्ती हमारे टीम पे आएगा, एच राणा, वैभव अरोरा यहाँ से टीम पे आएगा,
स्टार्क को मैं सीधे ड्रॉप करके चल जाऊंगा। अब यहाँ पर कैप्टन बीसी देखा जाए, कैप्टन बीसी का फिर से 3 नज़र आएगा, नारायण तो कैप्टन होना ही चाहिए, बीसी का ये 2 नज़र आएगा, रसेल और विराट कोहली। तो ये हमारा टीम बनेगा जब आरसीबी पहले गेंदबाजी करेगा। फिलहाल के लिए कैप्टन बीसी हमें लगता है सेफ जाने से ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे भाई आशा करते हैं आप लोगों को जो छोटी मोटी थी जानकारी दे पाया, खुद से भी आप लोग जरूर ट्राई करते होंगे। फिलहाल के लिए वीडियो के यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए, आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो।